जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका? सब लोग ठीक ठाक हैं? अक्सा आप कैसी हैं? अभी का मैं आप लोगों को सीन बताता हूँ। आज इस तरह हुआ है कि हम मैं ना सुबह मतलब समझ ले सुबह का तो नहीं लेकिन 12 बजे का गया हूँ गाड़ी की ना कुछ ट्यूनिंग वगैरह, काफी टाइम का काम शाम होने वाला था, वो 2-3 काम थे गाड़ी के वो करवाने गया हूँ। अभी मैं पहुंचा हूँ घर वापस और मैंने अपने बच्चे को देखा, मेरे बच्चे के बाल अक्सा ने ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया। आपने नाश्ता कर लिया पहले ये बता दिया, खाना छाना खा लिया? मैंने कुछ नहीं, सुबह सिर्फ जो सा कस्टर्ड नहीं आपने कल बनाया था वो बस मैं थोड़ा सा खा के गया था, आपके लिए मैंने छोड़ा था, आपने खाया? मैंने तो खा लिया। बस मैंने आपके लिए भी छोड़ा था थोड़ा सा, रास्ते में से कुछ भी नहीं खाता, आपको पता है जब मैं गाड़ी का काम वगैरह करवाने जाऊँ तब मैं कुछ भी नहीं करता। मैंने कहा अभी तक कुछ खा लिया। और अभी मेरा इस तरह का सीन बना हुआ है कि मेरी वो क्या कहते हैं, मैंने कल कटिंग भी करवाई थी, बाल भी मेरे फ्रेश होने वाले हैं, बाल चुभ भी रहे हैं और सुबह का मैं वैसे बाहर निकला हुआ हूँ तो उसकी वजह से ना हालात खराब है। आप पहले करते ही है कि गीजर ऑन कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले ये माशाल्लाह माशाल्लाह बाल कैसे स्ट्रेट किए हैं, इधर दिखाओ, वो तो ऐसे मैंने इसके सारे बाल पकड़ स्ट्रेट किए और इसमें करवाए हैं। उसके नखरे तो आप चेक करें, जैसे मैं पता नहीं आज क्या लग रही हूँ। नहीं दिखाने, ये देखें। नहीं दिखाने, हाँ। आगे लग के भागी जा रही मेरे से क्या? हाँ, ये देख। अच्छा जी, वाह जी वाह, ये मेरे बच्चे के बाल लग रहे हैं। ये कितना को टाइम लगा स्ट्रेट करने में? हो गए थे जल्दी जल्दी, हो गए थे जल्दी, हो गए थे हैं जल्दी, हो गए थे। मेरे से क्यों शर्मा रही है इतना, मेरे से क्यों भाग रही है? वो बाल दिखा, अब देख रही है ना, देखिए अपनी मामा के साथ मिलके क्या क्या करती रहती है, यहाँ पे सारे काम पूरे होते हैं। अब्बे के पास को नहीं आती आपके साथ, स्पेशल उसने ना वो अनबन, मैं उसको तंग क्यों करता हूँ, उसको तंग करता हूँ इसलिए। बेगम पूरी सर्दियां दे पाई कोई नहीं अपर, ठीक है एकदम की हो गया ना, यार मैं बॉडी पेन होती है आज अपर, और स्वेटर वगैरह नहीं ना पहनती घर में भी, लेकिन जो आप अपर पहन रही है ना ये भी किसी काम की कोई नहीं, अंदर से देख ना खाली खाली सी है, बस गुजारे ही करेगी ना, पहने से बेहतर है। मैं देख रहा हूँ आपने फुल मजे मुझे किए, चाय शाय पीती नहीं है, मेरी याद भी नहीं, समोसा भी खाया। बहरल जी मैंने ये गीजर जो अपने लिए ऑन कर दिया, मैंने कहा भाई फ्रेश होते हैं और आज मैं एक नया जिंदगी में चेंज लेके आने लगूं, आज मैं खुद बता रहा हूँ। पूछे क्या? ये मेरी जितनी भी पुरानी शर्ट्स हैं और ट्राउजर हैं ये वाले जो स्पेशली मैंने पहने हुए, आज के बाद ये आप लोगों को कभी व्लॉग में नजर नहीं आएंगे, प्रॉमिस है। मैं तो स्पेशल नवल मानने में, मैंने कहा जब ये उतारेंगे ना उतारे फेंकते मैं वो पढ़ूंगी। नहीं मैं फाइनली मैंने अब डिसाइड किया कि मेरे ये वाले ट्राउजर जो ना मुझे नहीं पहनने चाहिए, बहुत फर्क हो गया हुए हैं, मतलब के हद हो गई है इन ट्राउजरों की, इन शर्ट्स की। अब मेरे जितने नए वाले कपड़े ना मेरी सुन ले, जो मेरे ट्राउजर है और जितनी मेरी नई शर्ट्स है, ये पुरानी वाली शर्ट्स भी ना आप मुझे अब दिखाना। कब सोचा बैठ के यार, ये पता नहीं आज मेरे दिमाग में एकदम से बिल्कुल चेंज आई है, मैं कह रहा हूँ चेंज करवाने की नहीं करते, पता नहीं कैसे एकदम से पता नहीं क्या। और मैं आप लोगों को भी सच्ची बात कहता हूँ, आज वाकई जो है ना जब मैं गाड़ी का काम करवा रहा था ना, मेरे दिमाग में ये चीज चलनी शुरू हुई, मैंने सोचा मैंने कहा यार क्या फायदा, पता है क्या, अब देखिए वो ट्राउजर मैंने रखे, मैं कहीं बाहर आने जाने के लिए पहनूंगा, बाहर आने जाने जब मैं लगता हूँ मैं कपड़े चेंज करता नहीं, इस तरह में चला जाता हूँ, ठीक है, उससे बेहतर उनको मैं घर में पहनू ताकि 24 घंटे वही पहने हो, वही ना, मैं तो इसलिए मैं तो रोने लग जाती हूँ। पहले आप मुझे बताया जो आप मुझे काम कह रही थी वो कौन कौन सी, क्या क्या सब्जी लेके आनी है, कोई वो टमाटर लहसुन तो नहीं आना, लहसुन काफी ज्यादा पड़ा, टमाटर प्याज हरी मिर्ची आनी है, ठीक है, और क्या आना था, दूध का डिब्बा एक आना है, ऑल पर का वो ले आना दूध, बस ये चीजें चाहिए। तो आज पकाने का क्या सिस्टम है, पकाना क्या? आज जी मैं दोनों के घर छोड़ के आया हूँ, अक्सा को पहले मैं ज्यादातर घर ही छोड़ के निकलता हूँ बाहर, लेकिन आयशा को भी आज मैं छोड़ आया हूँ। अक्सा ने कहा प्याज टमाटर वगैरह लेके आने हैं, पहले मैंने अंदर से सोचा था कि अंदर से ले लेता हूँ स्टोर से, फिर मैंने कहा नहीं भैया यहाँ से तो बड़े महंगे मिलने हैं, फिर बाहर ही जाता हूँ, तो अभी मैं जा रहा हूँ सब्जी वाली शॉप पे। अक्सा ने प्याज टमाटर मिर्चें वगैरह और पता नहीं शायद कुछ दूध का डब्बा बताया, मैं तो कॉल करके उसे कंफर्म भी कर लूंगा, तो ये वाली चीजें लेके फिर चलते हैं घर और आज देखते हैं कि घर जाके क्या पकता, फाइनल होता क्या कि आज क्या पकाना है। अम्मी जी बेगम ने कहा था कि प्याज करवाने किलो किलो प्याज करवा रही हूँ, यहाँ से टमाटर करवाऊंगा, हरियाँ मिर्चा भी कर दिया जे कोई 40 रुपए दिया है, लिए कर दिया जे, और टमाटरों के लिए इनको मैंने कहा है कि कोई और देखें, क्योंकि ये वाले टमाटर जो है ना ये ग्रीन ग्रीन से नजर आ रहे हैं, तो रेड रेड टमाटर चाहिए, ये कुका ही ग्रीन ग्रीन है। पर प्याज जो सा पिछली बार आप लोगों ने कमेंट्स करके कहा था अली भाई ये चाइना का है और कुछ हैरानी है, लेकिन ये वाला वो प्याज नहीं है जो लास्ट टाइम मैंने लिया था, ये सादा प्याज ही अपने वाले ही। टमाटर इधर से निकाल लेते हैं, अभी रेड रेड चेक कर लेते हैं। नहीं जी जो भी चीज़ें अक्सर ने बताई थी वो तो मैंने ले ली हैं, साथ टमाटर प्याज वगैरह मिर्चें वगैरह, और साथ मैंने लिया है चिकन के स्पेयर पार्ट्स, आप लोगों को पता चल ही गया होगा मेरा क्या मतलब है, कलेजी वगैरह जो होती है ना और दिल जो होता है वो लिया है मैंने, मैंने कहा आज ये पकाते हैं अगर अक्सा का मूड हुआ तो। अक्सा का वैसे आज दिल कर रहा था कि दाल माश पकाई जाती, लेकिन देख लेते अगर तो चलो ये फ्रीज करके रखने, फ्रीज करके रख देंगे, जिस दिन दाल माश आज दाल माश पका लेंगे या फिर किस दिन पका लेंगे। अभी बहरहाल मैं यहाँ से आया हूँ रोटी लेने के लिए, मैंने कहा जाते जाते अब साथ ही रोटी लेके चला जाता हूँ घर तक, फ्री हो जाऊँ। अभी ना हमने ग्रोसरी के लिए जाना है कोई ना 2-3 दिन बाद, तो इसलिए अभी दूध का डब्बा जो है वो ख़त्म हुआ है, तो बेगम ने कहा आते हुए दूध का डब्बा एक लिए यहीगा,
और उसने मेरे ख्याल से ब्रेड वगैरह तो बाकी सारा कुछ तो पड़ा ही हुआ, दूध का डब्बा ही एक बताया है, और मैंने अपनी एक दो चीजें लेनी गाड़ी के लिए यहाँ से। अभी जी सारा सामान लेके मैं पहुंचा घर वापस, तो मैंने बेगम को रास्ते में कॉल कर कह दिया था कि भाई मेरे वास्ते ब्रेड बना दे तेरी मेहरबानी। रोटी अक्सर टमाटर प्याज वगैरह और वो मैं लेके आया कलेजी और दिल वगैरह, आज आपने ये पकाने दाल बनानी है। दाल तो आपका दिल कर रहा था ना दाल माश खाने का, मेरा भी था सी, लेकिन फिर वो आपको पता है ये फिर तो नहीं ना रुका जाता, वो मैंने उसके पास देखा बिल्कुल फ्रेश फ्रेश पड़े हुए थे, मैंने कहा चलो यार ये ले लेता हूँ घर जाके ये पकाते हैं। दूसरा अभी वो क्या कहते हैं हमारा पानी आना बंद हो गया, पहले तो मैंने जाते ही सोचा था कि घर जाते ही फ्रेश होगा, पानी जो है ना वो आना बंद हो गया, वो गीजर ने पानी गर्म कर दिया हुआ है, अब वो तब तक नहीं पानी नहीं निकलेगा जब तक पानी आना नहीं शुरू होगा और इस तरह से गीजर जलने का भी खतरा हो जाता है। लेकिन वो पानी निकालते ही नहीं है, निकालता नहीं है, जब पीछे से पानी नहीं ना आ रहा होता वो बंद हो जाता है। सुबह से कोई चीज नहीं खाई और अब अपने कॉन्सेंट्रेट के साथ लगी हुई थी, मेरे ख्याल से उधर ना काम किसी लगी हुई थी फुल ऐसे तजस्सुस के साथ, वो मैंने एकदम बुलाया तो डर गई। क्या हुआ, क्यों आप क्यों डर गई हो? मैंने तो सिर्फ ये पूछा कि आपने नाश्ता करना है, मतलब नाश्ते का टाइम तो नहीं है, खाना खाना है मेरे साथ, नाश्ता नुमा खाना खाना है, आपने कुछ बताया ही नहीं। एग खाना है, एग खाना है आपने, एग कौन डर गई है, मेरी बच्ची डर गई है, क्यों डर गई है आप? मामा ने बाल आपके बड़े प्यारे स्ट्रेट किए, मुझे तो बड़े अच्छे लग रहे हैं आयशा, मुझे तो प्यारे लग रहे हैं बाल, मुझे लगता है अभी आने लगी है। ये जी बेगम पहुंच गई है चाय का कप पकड़ के, अपने लिए भी देख लें, आपने मेरे बगैर खा लिया, देखे मैं आपके लिए जो है ना अभी तक मैंने शुरू नहीं किया। ये बात आना सुनने के लिए ना ये नहीं लेके आई बना के, अच्छा मैंने क्या कहना था मैंने आपसे ये ताना नहीं सुनना था इसलिए मैं ये बना के ले गया, ये कहना था। ठीक है इधर रख दे मेरी चाय कहीं पे, एडजस्ट करें इधर, एडजस्ट कर दे, चलें वो दरवाजा बंद कर दे। मैंने कहा हस्बैंड को ये फील ना हो कि मैं अकेला नाश्ता कर रहा हूं, इसलिए मैं नहीं 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 आप भी अपने लिए बहुत अच्छा किया, थोड़ा थोड़ा आपको ये वाला मील जो है ना वो लेते रहना चाहिए, हल्का फुल्का खाया करें, खाना अच्छा होता है। बल्कि ले जी बेगम अब मैं आपको अगर ऐसी रेडी हुआ कर रहा करूं, मतलब कि ये वाले कपड़े घर में पहना करूं, ट्राउजर भी मैंने वो दूसरे वाले छोड़ दिए, आज मैंने वाकई छोड़ दिए सीरियसली, आपने छोड़ दिया मैं ऐसी रहा करूं नहीं नहीं आपको ऐसे नहीं देना। बहरहाल फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी शर्ट जो है ना दो तीन नहीं ले लूंगा, और जो मेरी पहली वाली शर्ट है ना वो मैं इसी तरह आप घर में पहना करूंगा, ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही। और कैप अभी लेने का सर पे ये मकसद, मैंने बाल ज्यादा छोटे करवा लिए, बाल छोटे करवाने की वजह से हुआ ये मेरे साथ कि बाल आगे गिर जाते हैं। नहीं नहीं यार मैं वो कहते हैं न्यू ईयर, क्या कहते हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन, ऐसे ही होता है ना, मेरे अंदर ये चेंज आया न्यू ईयर का, मतलब 2023 का मेरे अंदर ये चेंज आया कि मैं आज के बाद वो वाले ट्राउजर छोड़ दिए, वो वाले मैं ट्राउजर नहीं पहना करूंगा, ठीक है ना? ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बट मेरे पास ना एक थोड़ी सी लाइन है आपको अगर सुनाना, अब अगर आप सुनना चाहें तो सुना दूं, सुनाऊं वाकई सुनना चाहिए, चलो ऐसे आप सुनना चाहेंगी आप भी सुनना चाहेंगी, लाइन इस तरह कुछ, ये कागजी फूल जैसे चेहरे मजाक उड़ाते हैं आदमी का, इन्हें कोई काश ये बता दे मकाम ऊंचा है सादगी का, बस वैसे लाइन कही है, कुछ स्पेशल नहीं है। मैं तो जब भी इस रूम में आता हूँ ना, बेगम ने यहाँ पे कपड़े धो के ऐसे सेट करके लगाए होते हैं, मुझे नहीं कभी नजर आया कि यहाँ पे कपड़े ना पड़े, वाइशा इस तरह ही है, कभी हुआ ऐसे? और इसका जरा फैशन चेक कर लें, जरा आप एक मिनट चेक करें कि ये इतनी हाफ लटकाई हुई है, और अक्सर को जिप भी नहीं बंद करने दे रही, अक्सर इसकी जरा जिप तो आप बंद करें, नहीं ये बहुत ही वो मॉडर्न बनी हुई है। और मैंने और बेगम ने अभी एक वादा किया है, बेगम ने मेरे साथ वादा किया है, बेगम ने ये वादा किया है कि आज के बाद आपको ये ट्राउजर नजर नहीं आएंगे, इनको आप पता क्या करना, अक्सर दो है ना मेरे ट्राउजर, दो या तीन ट्राउजर है, किसी का काट के डस्टिंग वाला कपड़ा बनाना, कोई तपड़ी बना लेना, कोई टोशन बना लेना, ऐसे करना सारों का, सही बात है, यही करना पड़ा तो ही खत्म हो गए, वरना आप नहीं इनको छोड़ दिया। पर मैंने छोड़ दिया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने खुद सोच लिया मैं छोड़ दिया, बस अब खत्म। अब पता क्या होगा, अब आप बेचारी ऐसे बिल्कुल देखे ऐसे रहा करेंगी, और मैं बिल्कुल ऐसे जवान। आयशा आयशा आज बाहर खाना बनाते हैं, आज मेरे ख्याल से मैं वो कलेजी वगैरह वॉश कर दूं,
वो उसको मैं कलेजी वगैरह को वॉश कर दूं आप उतने में ही करके सेट आ जाए। कलेजी बेगम ने खाना तो ऊपर रख दिया और काफी हद तक खाना जो है ना बनने के करीब पहुंच गया है। आपने कोई पोइम सुनानी है? कौन सी पोइम सुनानी है आपने? ए आगे बाबा ब्लैक शीप सुना दो। वेरी गुड। अच्छा ठीक है आगे नहीं आती। हाँ ठीक है, वो वर्ड ठीक से नहीं बोल छोटी। चलो अब जरा एक पापा को बता दें दो। दूसरे वक्त ने ये मिर्चें भी काट के रखी है क्या करने के लिए? ये ऊपर गार्निश करनी है और टमाटर को अभी ना पेस्ट बनाना है, वो ग्राइंड करने है, तो वो उसको हमने डालना। सुबह से वो आप ही आएंगी ना तो मैं रहने दे, हमें ना मतलब हमारा काम हो जाता है, हमें जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तू ही तो होना सारे मतलब मुझे क्या फायदा हुआ करवाने का, सारा कुछ लगवा के देने का। प्लेटा का तो धुपी जा रहे, डब्बे धुपी जा रहे ने, इधर सारा कुछ तो धोई जा रही, और डब्बे भी धो के रखते ने। नहीं कोई नहीं वॉश किए मैंने, मैं तो वैसे ही वो करी, मैंने कभी चाय बनाई। ये बीबी नहीं हट सकती, वो आदत नहीं अपनी खत्म हो रही, बर्तन धोने लगी हुई है। पर इस तरह मैंने ये दूध भी निकाला हुआ, इसको भी बॉयल करने के लिए रखते हैं। हाँ। बिल्कुल फ्रीज हुआ। अपने पास इतनी बड़ी देश की है, दो किलो वाली देखती नहीं है। नहीं है ना, कोई भी नहीं यार, चाय वाली में आ जाएगा। नहीं 2 किलो नहीं आना, कम छोटे आधा करके करना पड़ेगा। बड़ा देश की एक लेके आते हैं, कल परसों चलते हैं ना, जाके इंशाल्लाह लेके आते हैं। हाँ ये चीज अभी मैंने ये सारा सामान आगे से हटाया तो मुझे समझ आई। हमारे पास ये चॉपर पड़ा हुआ है, इसको चॉपर ही कहते हैं ना। हाँ, चॉपर है, चॉपर पड़ा हुआ है। प्याज उस दिन मैंने खाना बनाया था, वो इतने मोटे मोटे अंदर मैंने प्याज डाले, इसकी तरफ ना ध्यान ही नहीं जाता, उसको सिर्फ यूज करते रहते हैं ग्राइंडर को। हाँ। और उसको यूज ही नहीं कर रहे होते हैं। इसके अंदर प्याज टमाटर वगैरह, टमाटर तो नहीं, प्याज तो इसके अंदर चॉप किया करें, इतना जबरदस्त बना हुआ है। वही ना, ये चॉपर के अंदर उस दिन जैसे आप मुझे कैसे अक्सर मैं कैसे प्याज काटूंगी। हाँ। तो चलो अब जब नेक्स्ट खाना बनाएंगे ना, आप बनाए या मैं बनाऊ जो भी है, ठीक है ना। मतलब मैं तो चलो जब भी बनाया, आपने खाना बनाना ज्यादातर, मुझे तो जिसने शौक हुआ बोतल हटाई है, मैं इधर देख रही घर के, ये ऊपर बना हुआ देखा तो हम सोच रहे यार इसमें चॉपर चले, अगली बार नेक्स्ट इसमें प्याज चॉप करेंगे। दिमाग में नहीं है, एक ही मशीन यूज करी जाए, दूसरी कारी नहीं रहे। बस ठीक है, अगली बार इसमें चॉप करेंगे। ठीक है आयशा, आपको पसंद है? मेरे बच्चे को बहुत पसंद आया, वो इकलेजी निकाल के दिया ना मैंने, थोड़ी सी पसंद आई है। तेरी और ये मैंने खाना है, वो ही मैंने फॉर्क नहीं उधर रखा, फॉर्क के साथ मुझे खिलाए। अभी जिस तरह की नई चीजें आई है ना, अभी मिर्च वगैरह और टमाटर वगैरह, तो बेगम मुझे कह रही है कि आप इसको फ्रिज के अंदर रख दें। बेगम ने क्या किया ना, मैं खुद ही बड़ा तेज हूँ, मैं खुद ही सारी चीजें सेट शूट करता रहा, तो मैं कहता हूँ चलो उसकी भी अक्सा के साथ हेल्प हो जाएगी। मिर्चें वगैरह हम लोग इसके अंदर से निकाल के रखते हैं नीचे इधर, और टमाटर मैं रखता हूँ ऊपर। ये मिर्च साफ है, किधर से गंदी का नहीं, वो ऊपर ये गिरे हुए हैं ना इसके, साफ पड़ी हुई है, गई जा रही है, साफ सुथरी फ्रिज पड़ी हुई है, ठंडी हुई है। बस मैं ये रखता हूँ नीचे, टमाटर ऊपर रखता हूँ। क्या खाना है? एग खाना है, ये एग नजर आ रही है ना, ये दो एग रह गए हमारे। काम मैं करना है, वो देखने आई है, तू भी ना ली आ गई। हाँ, मैं भी साथ आ गई और ये भी आ गई कि बाबा कर क्या रहे हैं। वो ये है कि बच्चे ऐसे सीखते हैं कि यार मामा बाबा ये कर रहे हैं तो हम भी ये किया करेंगे बड़े होके। बच्चे फिर घर से इसी तरह सीखते हैं। अच्छा ये देखो, वो देखो बाबा क्या कर रहे हैं। ठीक है, चिली हम रखते हैं इसके अंदर, ग्रीन चिली और टमाटर ऊपर। वो लेमन पड़े हैं, उसको लग रहा है लेमन, पता नहीं क्या चीज है, फर्स्ट टाइम देखा है ना उसने। ले जी, हमारा खाना तो हो गया है रेडी, पानी भी आ गया है। हाँ। और तो नहीं कोई चीज चाहिए ना, बस अब हम राम स्कून से बैठ के पहले खाना खाएंगे, साथ कोई एलईडी पे एक आधा व्लॉग देख लेंगे। और अक्सर ये मेरी चादर वॉश करने वाली क्यों भला? हाँ, मैंने अपनी अपर नहीं पहनी थी, मैंने इसलिए चादर पहनी थी सुबह की, इसके अंदर ही बाल जाए, चलो बंदा वॉश कर ले। बहुत ज्यादा ऐसे सही बात है, बारीक बारीक बाल थे, मैंने कहा अपर पहन ली ना अपनी तो वो सारी खराब हो जानी है और दोबारा फिर धोनी पड़नी है, और मेरा इसको धुलवाने का दिल नहीं चाह रहा। बेगम ने खाना खाने के बाद अभी फरमाइश की है जी कि मेरे लिए जाके माल्टे ले आए। मैंने कहा क्यों नहीं, मैं ले आता हूँ, मैं भी बल्कि अक्सा के साथ एक एक खा लेता हूँ पीस। हर माल्टे का ना एक पीस सिर्फ मेरे लिए होता है, एक मैं खाता हूँ बाकी बेगम खाती है, इस तरह करती है मेरे साथ। तो मेरे ख्याल से ये काफी रहेंगे क्योंकि ये साइज में ना छोटे छोटे, पहले मैं बड़े बड़े लेके आता हूँ लेकिन इस बार छोटे छोटे मिले हैं, और इसको तो बल्कि एक सुराख भी हुआ है यहाँ पे।
ले जी, अभी मैंने बेगम से फिर इसकी लुक जो है जरा फ्रेश फ्रेश करवाई है, क्योंकि जिस टाइम मैं आया था उस टाइम तो काम बहुत ज्यादा थे, मैं आपको दिखा भी नहीं सका। तो ये आयशा का है न्यू हेयर स्टाइल, पीछे से दिखाओ, माशाल्लाह माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। अक्सा पकड़े जरा, इन्हें हाथ किधर आना है वो एक दफा हमें दिखा तो लुक जरा सही करके देखे। अच्छा बाल माशाल्लाह है कितने लंबे इसके। अक्सा वैसे एक बात कहूँ, आज हम दोनों बिल्कुल ऐसे न्यू न्यू लग रहे हैं आयशा और मैं, और आप सही बात है, आप गई आप सही बात है, क्या लग रही है आप खुद तो देखे सही। सही बात है, बच्चों की लुक चेंज करके इनको पकड़ना कौन सा आसान काम होता है, अब जान के नहीं दिखा रही नहीं। ये देखे माशाल्लाह माशाल्लाह, आयशा आपके बाल तो इतने लंबे हैं, सारे कर्ली कर्ली हो के मुड़े पड़े। इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, चलो अब जिस टाइम स्कूल से बैठी होगी ना, जिस टाइम स्कूल से बैठी होगी उस टाइम दिखाता हूँ। ले ले क्या कर रही है? मतलब के कैमरे में नहीं आ रही, बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह, मेरे बच्चे का न्यू हेयर स्टाइल है और फेस भी वो चेंज चेंज लग रहे हैं, फेस भी चेंज चेंज लग रहे हैं, बहुत पाई कैंडी खा रही है, कैंडी खा रही। बैक से पीछे से बाल दिखाओ, बाल दिखाओ, ऐसे 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 करो, ऐसे ऐसे हिलाओ, आय हाय 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 हाय, खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है, ये नजाकत आई हुई है हमारे अंदर अभी, ऐसे ही है। जो पिपिक लगवाओ मम्मा से, जाओ जल्दी करो, जाओ शुक्र है मन्नी दे सही कोई गल। माशाल्लाह क्यूट कितनी लग रही है, बहुत प्यारे, ओए होए होए, मुंह बाल ही नहीं दिखा रही। ये देखिए बाल लंबे हुए हैं अभी तो, मैं इसको काटे हैं बाल नहीं, कभी कभी एक्सरसाइज इस तरह किया करें, बड़े प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह, कभी कभी किया करूंगी।